हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने लगी हूँ सईद गनी का कोकोनट हेयर ऑयल एंड अनियन हेयर ऑयल। ये दोनों मैंने सईद गनी की वेबसाइट से ऑर्डर किए थे, बट जो ये कोकोनट हेयर ऑयल है, ये क्लेम करते हैं कि ये नरिशिंग के लिए होता है, बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, स्मूथ करता है, जो कि एक्चुअली करता है, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी इसकी हाफ बॉटल से ज़्यादा ख़त्म कर चुकी हूँ, यूज़ कर चुकी हूँ, अप्लाई कर चुकी हूँ उसको अपने हेयर पर। तो ये इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बिकॉज ये अपने जो क्लेम करते हैं अपनी क्वालिटीज़ को, वो सच में है कि ये नरिश करता है बालों को और डैमेज होने से बचाता है, और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इनका। और सईद गनी का प्रोडक्ट है, सो डेफिनेटली आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक होता है। तो ये कोकोनट हेयर ऑयल बहुत अच्छा है और ये आपको यूज़ करना चाहिए, टीनेजर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सईद गनी के वैसे तो सारे हेयर ऑयल, सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट जो जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दूसरों को भी उसके बारे में गाइड करूँ। ये अनियन हेयर ऑयल है सईद गनी का, ये क्लेम करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, डैमेज से बच जाते हैं। इनकी पैकेजिंग तो खैर एवरेज है सईद गनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी, बट जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये ऑलरेडी मैं ये भी काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, इससे बालों में बहुत ज़्यादा ना ग्रोथ आ जाती है, डैमेज से बच जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे बालों में ना नई जान सी आ गई है। तो ये प्रोडक्ट तो सच में बहुत अच्छा है। जिन लेडीज़ को या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है, वो यूज़ कर सकते हैं इसको। बट इसका एक छोटा सा इशू ये है कि जब आप इसे यूज़ करते हैं ना, तो इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अनियन जैसी है, बहुत बुरी है। तो आपको इसे दिन में यूज़ करना है, या तो आप रात में भी लगा सकते हो, लेकिन इसकी स्मेल आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और या तो आप नहाने से पहले 1-2 घंटे पहले लगा लें और फिर बाद में शैम्पू करें, बट ये तकरीबन 2-3 बार शैम्पू से के बाद ही, मतलब इसकी फ्रेगनेंस जाती है, वैसे नहीं जाती, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है हेल्दी हेयर के लिए। जब आपको ऑलरेडी इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल गया है, पहले बचपन में मैं सुनती आ रही थी कि प्याज के पानी लगाने से बाल बड़े होते, लंबे होते, कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना टाइम नहीं होता कि हम प्याज को छीलें और फिर उसमें मतलब पानी निकालें उसका। तो ये उन्होंने अच्छा प्रोडक्ट दिया है। अच्छा, हमने इन दोनों प्रोडक्ट्स को ना कैस्टर ऑयल को थोड़ा सा मिक्स करके वो यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो कैस्टर ऑयल से भी बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप लोग चाहें तो एक्स्ट्रा भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी तो दोनों प्रोडक्ट अच्छे हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए चाहिए तो अनियन हेयर ऑयल, और अगर आपको नरिशमेंट और डैमेज फ्री हेयर के लिए चाहिए देन कोकोनट हेयर ऑयल, और अगर आपको नरिशमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग और बालों की ग्रोथ भी चाहिए, तो आप थोड़ा सा मतलब बॉल में निकालें, थोड़ा उस पर कैस्टर ऑयल मिक्स करें अच्छे से, और उसे बालों पे अप्लाई कर लें। हफ्ते में 2 बार आप ऐसे करके लगा सकते हो, और इसको अगर कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके लगाएंगे तो आप रात को भी लगा के सो सकते हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर ऑल फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एंड इन योर सर्कल एज वेल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़।